बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 के लिए थ्योरी देखेंगे कि भाई उसमें हमें पढ़ना क्या है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम जब आप वेन डायग्राम समझ लोगे और कुछ टर्म समझ लोगे तो फिर आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम कुछ नए टॉम सीखेंगे और वेन डायग्राम से की मदद से हम कैसे सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे तो सबसे पहले हम कुछ चीजें जो हमें सीखना है वो मैं लिख दे रहा हूं पहले हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ए ले लिया राइट और ये सेट ए में हमने ए वन टू थ्री फोर फाइव छोटा सा सेट ले रहे हैं क्योंकि तो हम इसी में समझ जाएंगे और फिर हम एक सेट बी लेते हैं ये देखिए जो सेट बी है उसमें हम रखते हैं उसके एलिमेंट फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो हमें जो चीज सीखना है वो चीज है पहली जो चीज है वो है यूनियन कि दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं तो दो सेट का यूनियन निकालने के लिए हमें दोनों सेट के सारे मेंबर्स को सारे एलिमेंट को लिखना पड़ता है एक सिंगल सेट बनाना पड़ता है तो यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं चलिए पहले देख ले ए यूनियन बी इसका मतलब यह हो गया कि हम सेट ए और सेट बी का यूनियन निकाल रहे हैं और मैंने आपसे क्या बोला यूनियन का मतलब क्या होता है सेट ए और बी के सारे एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है क्योंकि सेट में हम दो बार एलिमेंट नहीं लिखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं तो चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन देखिए ए यूनियन बी में देखिए सारे एलिमेंट गए ए और बी के हाँ, आ गए हैं चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड जो टर्म आपको सीखना है वो है इंटरसेक्शन क्या सीखना आपको इंटरसेक्शन अब इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब होता है उनके कॉमन एलिमेंट को लिखना तो देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी अब देखिए जरा ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं देखिए फोर और फाइव दोनों में है फोर और फाइव फर्स्ट में भी है एंड फोर और फाइव सेकेंड में भी है सेट ए में भी है और सेट बी में भी है तो ये सेट ए और बी का इंटरसेक्शन होगा तो चलिए हम लिख देते हैं फोर एंड फाइव बहुत ही आसान है अच्छा बच्चों कई बार दो सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है इस तरह के सेट को हम बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इसको क्या बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट राइट जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता है तो डिसज्वाइन सेट में अगर हम इंटरसेक्शन निकालें मान लीजिए कोई सेट वन है और सेट टू है और दोनों डिसज्वाइन है तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा फाइव नल सेट क्योंकि उनमें कुछ कॉमन होता ही नहीं है तीसरी चीज अब हम सीखेंगे ए माइनस बी क्या सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट तो ये फोर्थ सीख लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट अब ये क्या चीज होती है बहुत ही इजी है मान लीजिए आपको ए माइनस बी निकालना है सेट ए माइनस बी निकालना है तो क्या करना है बच्चों कुछ नहीं करना है ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी का अगर कोई एलिमेंट है तो उसको निकाल देना है अब देखिए ए क्या है यहां फिर से देखिए ए जो है वो है वन टू थ्री फोर फाइव ओके अब ए में जो फोर और फाइव है वो बी में भी है तो अगर ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी का एलिमेंट निकाल दो यानी हमें फोर और फाइव निकालना पड़ेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर और फाइव निकाल देंगे तो वन टू थ्री ये हो गया हमारा ए माइनस बी उसी तरह अगर आपको बी माइनस ए निकालना हो तो बी माइनस ए निकालना हो तो क्या करोगे बच्चों अब सेट बी में से हम एक का एलिमेंट निकाल लेंगे तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है देखो फोर फाइव सिक्स सेवन फोर फाइव ए में भी है तो उसको हम निकाल देंगे। तो B A तो क्या आएगा बच्चों? एंड इस तरह हमने सेट का सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया अब हम सीखेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालतेम मेंट ऑफ सेट को हम कैसे निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने का क्या मतलब होता है तो पहली चीज आप याद रख लो जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वहां आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए क्या चाहिए यूनिवर्सल सेट चाहिए ठीक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में दस एलिमेंट है। वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और हमारा ए क्या था हमारा ए जो था वो था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है तो हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के ऊपर हम ये डैश लगाते हैं ये साइन होता है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं ये टोपी तो राइट right? ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है अब इसमें क्या होता है हम ए के खुद ए के सारे एलिमेंट को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में, में मेंबर बचता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट जैसे ए में कौन कौन से मेंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये मेंबर हटा दीजिए आप ये मेंबर को हटा दीजिए ठीक है अब जो यूनिवर्सल सेट में बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे सेवन एट नाइन ध्यान रखिएगा ए माइनस बी और ए कॉम्प्लीमेंट में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं बी का एलिमेंट ए से निकालते हैं पर ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं खुद का एलिमेंट निकाल देते हैं और जो यूनिवर्सल सेट में बचता है वो सेट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट तो ये कुछ चीजें थी बच्चों जो बहुत ही इजी है बहुत ही आसान है और अब आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो अब हम सीखने वाले हैं कि इन चीजों को हम डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डायग्राम के थ्रू इन चीजों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम क्या बोलते हैं वेन डायग्राम इससे क्वेश्चन तुरंत बनता है और आपको तुरंत समझ में आएगा तो वेन डायग्राम क्या है एक तरीका है सेट के इन रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तो हम ये तरीका अब सीखने वाले हैं तो चलिए वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं ये वेन डायग्राम हमारा टॉपिक है इसके लिए मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूं आपको समझ में आएगा वेन डायग्राम के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट चाहिए क्या चाहिए एक यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट को ना रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर कोई हम और सेट लेते हैं तो उसको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान रखिएगा राइट और अगर कोई दूसरा सेट भी लेते हैं तो उसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से तो चलिए एक और सर्किल हम ले लेते हैं कि आपको बेटर समझ में आए ये सर्किल बंद तो गया है पर यह डिसज्वाइंट सेट हो गया है तो इसको हटा करके हम एक बार और इस तरह से लेंगे सेट कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर अब मैं आपको समझाऊंगा कि वेन डायग्राम का यूज कैसे करते हैं और जो चीजें हमने सीखी उसको कैसे निकालते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो रेक्टेंगल बना है ना ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट क्या होता है सुपर सेट होता है सारे सेट उसके सबसे ये जो सर्किल है उसको हम क्या मान लेंगे उसको हम मान लेंगे सेट ए क्या मान लेंगे इसको मान लेते हैं सेट ए और ये जो ब्लू कलर से जो बना हुआ है उसको मान लेते हैं सेट बी अब मैं उन सारी चीजों को समझाऊंगा जो अभी मैंने आपको बताया था देखिए हमने क्या क्या सीखा है हमने सीखा यूनियन निकालना पहले मैं सेट लिख देता हूं कि और अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। मान लीजिए सेट ए में जो है वन टू थ्री फोर फाइव और सेट बी ले, ले लेते हैं फिर से फोर फाइव सिक्स एंड सेवन और यूनिवर्सल सेट ले, ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन राइट टेन इसको जरा साफ कर दे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है चलिए तो टेन अब इसका हो गया ये यूनिवर्सल सेट तो अब देखिए यूनिवर्सल सेट कैसे कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे देखिए सबसे पहले सेट ए में कौन कौन से मेंबर है हम देख लेते हैं तो सेट ए में वन टू थ्री फोर फाइव तो यहां लिख दिया वन टू थ्री और फोर फाइव ना मैं इन दोनों के कॉमन एरिया में लिखूंगा क्यों क्योंकि फोर फाइव दोनों में है तो ये हो गया फोर और ये हो गया फाइव अब सेट बी के एलिमेंट में कौन कौन थे फोर फाइव सिक्स सेवन तो फोर फाइव तो आ चुके हैं ये हो गया सिक्स ये हो गया सेवन राइट right? कौन बच गए हैं एट नाइन टेंथ तो एट नाइन टेंथ क्या है इसमें आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में कहीं मान लो ये यहां है यहां है यहां है जो कि किसी ए और बी में नहीं है वो यूनिवर्सल सेट में है अब बच्चों इस डायग्राम से हम सारी चीजें सीख लेंगे सबसे पहले हम सीखेंगे यूनियन निकालना तो यूनियन क्या मैंने बताया था ए यूनियन बी पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं ए यूनियन बी क्या था सारे दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिख दिया तो ये हो गया ए यूनियन बी क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये तो हो गया जो हमने आपको निकालना सिखाया था वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को तो ये देखिए ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे ये सर्किल और ये सर्किल पे हम ऐसे ऐसे कलर फिल कर देंगे ये जो पूरा एरिया होगा वो एरिया क्या होगा वो एरिया होगा ए यूनियन बी क्या होगा ए यूनियन बी होगा तो ये जो टोटल एरिया हुआ ए और बी को पूरी तरह हम सेट कर देंगे कलर कर देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को तो हम इसको ए यूनियन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए अब मैं आपको बताऊंगा इंटरसेक्शन को कैसे सेट करते हैं चलिए तो इसको बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको ना ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखा देता हूं तो यहां कर दू ऊपर कर देता हूं ये देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी बता दिया है मैंने ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट पहले ही बता चुका हूं तो क्या क्या आएगा फोर एंड फाइव फोर एन फाइव राइट अब इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे हमें ये सीखना है तो देख लीजिए दोनों का कॉमन एरिया क्या है दोनों का कॉमन एरिया ये है बच्चों ये देखो वो ए में भी है और बी में भी है ये देखिए फोर एंड फाइव तो ये जो एरिया होगा बच्चों वो क्या होगा वो एरिया आपको a इंटरसेक्शन b होगा तो मैं उसको नीचे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि ये a इंटरसेक्शन b है क्या आपको समझ में आ जाए और आप इसको नोट कर लीजिए a इंटरसेक्शन b कितना आसान है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम सीखेंगे कि हम कैसे a b को रिप्रेजेंट करेंगे चलिए अब हम ना a b निकालेंगे तो a b के लिए हम कैसे निकाले थे हमने ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है ए में से बी का एलिमेंट निकाल दो तो ए में बी का एलिमेंट कौन है फोर और फाइव है हटा दो इसको वन टू थ्री ये हम तो कर ही चुके हैं अभी आपको पहले बता चुका हूं मैं थोड़ी देर पहले चलिए अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये ध्यान रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो चलिए देखिए ये जो हमारा एरिया है ये रहा ये एरिया ये जो एरिया है वो इंटरसेक्शन को छोड़ दीजिएगा क्योंकि वही तो है दोनों का कॉमन वही तो नहीं चाहिए तो आप ना ये जो एरिया होगा ना वो ए माइनस बी दिखाएगा जिसमें से ए में से बी के एलिमेंट को हमने निकाल दिया है इसको याद रखने का तरीका है ये एप्पल के फॉर्म में आ जाता है एप्पल का जो लोगो है ना देखिए यहाँ से कट है तो ये ए माइनस बी है ए माइनस बी मीन्स ए में से बी का एलिमेंट आपको निकाल देना है चलिए अब एक बार बी माइनस ए भी करके देखते हैं बी माइनस ए क्या होगा वैसे ही जैसे ए माइनस बी हुआ हम क्या करेंगे बी में से ए का एलिमेंट निकाल देंगे तो बी का एलिमेंट क्या है दो उसको। क्या बच्चे का सिक्स एंड सेवन बी माइनस ए होगा सिक्स एंड सेवन और में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बहुत आसान है बच्चों। देखो प्यारे बच्चों इसको ऐसे करेंगे और ये आपका जो होगा वो होगा बी माइनस ए इसमें हमने क्या किया एक एलिमेंट को बी से हटा दिया और यही तो है इसका मतलब हम यही तो करना है तो ये हम फटाफट फटाफट इसको कर दे रहे हैं। और ये जो होगा बी माइनस ए होगा तो चलिए हम इसको बी माइनस ए कर दे ये ए माइनस बी हटा दे और अब आ गया है वहां बी माइनस ए तो आपने देखा ए माइनस बी और बी माइनस ए को वेन डायग्राम से कितनी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते, है। तो करते हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले ना हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखिए ए कॉम्प्लीमेंट ए का खुद का सारे एलिमेंट को छोड़ दीजिए और यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबर ले, ले लीजिए यूनिवर्सल तो सेट में एक के कौन कौन से मेंबर है ये देखिए ये है वन से फाइव तक तो खुद का सेट छोड़ना है तो वन से फाइव तक छोड़ करके बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट में है हम उसको लिख लेंगे तो वो क्या है देखिए सिक्स है सेवन है एट है नाइन है टेन है राइट ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट अब ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं इंपॉर्टेंट है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो बच्चों ये बड़ा अच्छा है देखो एक का एलिमेंट खुद को छोड़ना है और पूरे यूनिवर्सल सेट के बाकी मेंबर्स को लेना है यानी कि ए को छोड़ दीजिए और पूरे रेक्टेंगल को आप क्या कीजिए कवर कर दीजिए कवर कर दीजिए पूरे रेक्टेंगल को आप कवर कर दीजिए मतलब तो ए का ए में जो एलिमेंट है वो नहीं लेना है बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में जहां भी दिख जाए आपको वो लेना है राइट अच्छा ये भी बी के भी लेना है केवल ए को छोड़ देना है ये देखिए ऐसे इस तरह आप इसको कलर कर लीजिए पूरी तरह सेट कर लीजिए और ये पूरा एरिया जो होगा वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट तो इस तरह आप पूरे एरिया को सेट कर लीजिए सिर्फ ए को छोड़ करके तो वो हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट तो इस तरह हमने वेन डायग्राम में सब कुछ देख लिया कि कैसे हम यूनियन बी निकालते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं ए माइनस बी कैसे निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कैसे, कैसे निकालते हैं और उसको कैसे डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारी चीजें बहुत ही आराम से आप कर सकते हो अब हम कुछ ना जो एनसीआरटी में कुछ डायग्राम दिए गए हैं जब तीन सेट हो तो हम कैसे चीजों को फाइंड करते हैं कैसे डायग्राम हम बनाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों अब यहाँ पे देखिए तीन सेट है सेट को से रिप्रेजेंट किया सेट बी को मैंने ब्लू सर्किल से रिप्रेजेंट किया है और सेट सी को मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है अब हम कुछ चीजें और निकालेंगे और आपको समझाएंगे कि ये कैसे होता है चलिए देखते हैं सबसे पहले ना हम मान लीजिए यहां पे आपको तीन सेट है पर आपको निकालना b यूनियन c राइट अब b यूनियन c निकालना है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना b यूनियन c क्या था? है b और c को पूरी तरह सेट कर दीजिए तो बिना सोचे b का जहां तक दिख जाए उसको सेट कीजिए b जहां तक दिख जाए उसको सेट कीजिए बी के एरिया को कहीं से भी मत छोड़िए आपका हो गया बी और सी के हुए जहां तक सी है उसको पूरा सेट कीजिए तो सी देखिए सॉरी ओहो मैं ए में जा रहा हूं सी क्या है ब्लैक वाली है तो ये सी ये तो पूरा बी और सी को सर्किल कर दीजिए ये मत देखिए कहां कहां ओवरलैप हो रहा है इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे एकदम फंडा क्लियर है कि आपको पूरा बी और सी को ड्रॉ कर देना है ये हो गया बच्चों बी यूनियन सी इसी तरह हम और भी चीजें निकाल सकते हैं ए यूनियन सी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर ए यूनियन बी यूनियन सी होता तो क्या करते हैं हम तीनों को कलर कर देते हैं देखिए ये तो आपका हो गया नोट कर लीजिए ये हो गया बी यूनियन सी लेकिन अगर कोई पूछे कि निकालो ए यूनियन बी यूनियन सी सी निकालना ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो क्या करोगे बच्चों कुछ नहीं ए बी सी को पूरी तरह से कलर कर दो कोई टेंशन ही नहीं है तो अगर ये निकालना होगा तो अब हम क्या करेंगे हम इन ए को भी पूरी तरह कलर कर देंगे तो चलिए मैं कर देता हूं फिर आपको बेटर समझ में आएगा ये देखिए ये हो गया आपका पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी तो इस तरह थ्री सेट में हम ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करते हैं और भी कई चीजें जिसको मैं अभी बता अब मैं आपको बताऊंगा कि चलिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे दिखाओगे बी इंटरसेक्शन सी कैसे दिखाओगे सी इंटरसेक्शन ए कैसे दिखाओगे और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे दिखाओगे तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए और बी का कॉमन एरिया तो सिर्फ ए और बी पे सी को भूल जाओ इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आप ए देखो बी देखो इनका कॉमन एरिया जो है उसको कलर कर दो तो ये जो एरिया होगा बेटा ये ए और बी का एरिया यही है जो तो कॉमन है ए और बी का तो ये जो एरिया होगा वो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी तो पहला ये लिख लीजिए नोट कीजिए ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और अगर आपको बी इंटरसेक्शन सी देखना है तो हम क्या करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के लिए हम थोड़ा सा कलर कर लेते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी हटा देते हैं तो इसको हटाने के लिए हम इसको ये कर लिए चलिए अब हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी तो बी इंटरसेक्शन बी और सी को देखिए ये बी सेट और सी सेट इसका जहां भी कॉमन दिख जाए आप उसको नोट कर लीजिए ये देखिए ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं ये एरिया हो गया बी इंटरसेक्शन सी सिर्फ बी और सी को देखिए ए को भूल जाइए तो आप तुरंत कर पाओगे उसी तरह सी इंटरसेक्शन ये निकाल लेंगे अब जो मेन जो है वो देखते हैं कि तीनों का कॉमन जो होगा वो क्या होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ठीक है तो इसको कर लेते हैं तीनों का कॉमन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे तो हमें ये निकालना है राइट तो इन तीनों का कॉमन एरिया देखो ए का भी कॉमन बी का भी कॉमन और सी का भी कॉमन कौन सा है ये एरिया है ये एरिया है तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे बच्चों a intersection b intersection c और इस तरह आप वेन डायग्राम के हेल्प से सेट के बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वेन डायग्राम भी समझ में आया होगा इंटरसेक्शन यूनियन सबट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सब कुछ समझ में आया होगा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर के सॉल्यूशन करेंगे हम उसमें बाय